नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको ले जा रहा हूं अयोध्या, जहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इस मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है और इसके लिए पूरे देश से लाखों राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। आप भी शायद अयोध्या जाने की तैयारी में जुटे हुए होंगे, तो आइए उसी के बारे में कुछ हम बातें करते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में माहौल राममय मनाया जा रहा है। रोडवेज की बसों में यात्रा के दौरान भगवान श्री राम से जुड़े गीतों का आनंद यात्री उठा पाएंगे। हम कथा सुनाते हैं राम की, सीताराम सीताराम कहिए, इसी प्रकार के कई लोकगीत और भजन यात्रियों को सुनने को मिलेगा। बसों में राम धुन के गीत ना बजाने पर संबंधित चालकों या परिचालकों पर कार्रवाई भी होगी। यूपी रोडवेज की बसों में बजेगी राम धुन। अयोध्या डिपो म्यूजिक सिस्टम लगाकर यात्रियों को सुनाएगा राम भजन। अयोध्या डिपो की यूपी रोडवेज बसों में अब राम धुन और राम भजन बजेंगे। राम धुन बजाने के लिए 50% बसों में म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है। मुख्यालय की ओर से एक आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। परिवहन निगम अयोध्या डिपो की बसों से सफर तय करने वाले यात्रियों को रामधुन व राम भजन सुनाया जाएगा। रामनगरी से संचालित अयोध्या डिपो की 120 बसों में रामधुन बजाने के लिए अभी तक 60 बसें हैं जिसमें म्यूजिक सिस्टम से लैस है। जल्द ही शेष बसों में भी म्यूजिक सिस्टम लगाकर रामधुन बजना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बसों के चालक वह परिचालक वर्दी में होंगे, यात्रियों से अच्छा वर्ताव भी करेंगे, जिसके लिए निगम मुख्यालय की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। रोडवेज अफसरों ने कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा तक सभी बसों में म्यूजिक सिस्टम लगाकर रामधुन बजाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यूपी रोडवेज बसों में भी 22 जनवरी तक बजेगा राम भजन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निर्देश यूपी की रोडवेज बसों में भी थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राम भक्तों के उत्साह को देखते हुए परिवहन विभाग ने विशेष कार्यक्रमों की योजना की तैयारी की है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राम भक्तों के उत्साह को देखते हुए परिवहन विभाग ने भी विशेष कार्य योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयार इस कार्य योजना के तहत सभी बसों में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में 22 जनवरी तक राम भजन बजाए जाने का निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में अयोध्या के मंदिरों में 14 जनवरी से 24 मार्च तक भजन कीर्तन, रामायण एवं रामचरितमानस का पाठ तथा सुंदर काठ के कार्यक्रम आयोजन कराने का भी निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर परिवहन विभाग ने जो कार्य योजना तैयार की है उसके अनुसार सभी यात्री वाहनों में तथा बस स्टेशनों पर व्यापक साफ सफाई कराने का निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सभी बसों में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में राम भजन बजाने के निर्देश हैं, ताकि यात्रियों का सफर सुखद और वे भगवान राम के जीवन से प्रेरणा ले सकें। भगवान राम से जुड़े भजनों में विभिन्न कलाकारों के प्रसिद्ध भजनों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय गायकों के राम भजनों को भी इसमें स्थान मिल सकता है। जितने भी बस ड्राइवर हैं सबको अलग से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेनिंग शासन ने टैक्सी एवं सभी टूरिस्ट बस वाहन स्वामियों के साथ बैठकर अयोध्या में टैक्सी एवं टूरिस्ट बसों को आवश्यकता अनुसार आरक्षित रखने को भी कहा गया है। टैक्सी एवं बस ड्राइवरों को संवेदनशील बनाए जाने के लिए उन्हें परीक्षण देने को भी कहा गया है। इसमें सुरक्षित वाहन चलाना एवं यातायात नियमों का पालन कराया जाना, चालकों को टूरिस्ट के प्रति व्यवहार करना और चालकों द्वारा अनिवार्य रूप से वर्दी धारण किया जाना है। किसी भी प्रकार का नशा एवं पान गुटखा के सेवन से दूर रहना है। वाहन की साफ सफाई पर ध्यान देना है और निर्धारित किराए से अधिक किराया किसी भी दशा में वसूल नहीं करना है। इसके अलावा अयोध्या की परिधि के 200 किलोमीटर में सभी मार्गों पर इंस्पेक्टर वाहनों के द्वारा प्रवर्तन टीमों की टूरिस्ट सहायतार्थ लगाया जाएगा। टोल प्लाजा पर बनाई जाएगी हेल्प डेस्क। लखनऊ से अयोध्या, गोरखपुर से अयोध्या तथा सुल्तानापुर से अयोध्या के बीच पड़ने वाले समस्त टोल प्लाजा पर टूरिस्ट की सहायता के लिए परिवहन विभाग का हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। सुरक्षित सफर के लिए सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का समाचार पत्र, पब्लिसिटी वैन, डिजिटल बैनर तथा समस्त सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। यही नहीं, सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्य राजमार्गों पर NHI तथा PWD के द्वारा एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग एवं क्रेन वाहनों मार्गों पर तैनाती भी की जाएगी। यात्रियों से चालक और परिचालक अच्छा वर्ताव करेंगे और वर्दी में रहेंगे। तो आपने जाना कि क्या था दिशा निर्देश, किस प्रकार
अयोध्या में राम के स्वागत के लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है, आपको राममय अनुभव कराने के लिए जितने भी बसें हैं उसमें साउंड सिस्टम लगाए जा रहे हैं, उसमें सिर्फ राम के ही गाने बजेंगे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह पहल कैसी है और आगे क्या होना चाहिए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।